사이드 플러스 프랑스 하는 거만 알지. 있는 느낌은 없어. 아, 그래서 지랄하긴 했는데. इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ के सरायमीर में। सरायमीर वह जगह है जहां अंडरवर्ल्ड माफिया अबू सलीम ने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। आज उसके खिलाफ टांडा अदालत के फैसले के बाद यहां के लोगों का क्या कहना है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? अतीक फराही मेरा नाम है। अभी कुछ देर पहले ही पता चला है कि ऐसी सजा सुनाई गई है और अदालत ने जो भी फैसला किया है उसका सम्मान किया जा रहा है। और ये तो खैर सब लोग ये चाहते थे कि कम सज़ा हो। बहरहाल दोषी करार दिए गए हैं अदालत की तरफ से, तो जो भी वहाँ से सज़ा सुनाई गई है इस पे हम कुछ नहीं होते हैं। जो अपनी राय हम दें और जो भी है वो स्वीकारा जा रहा है यहाँ पे। हम लोग आए हैं मिलने के लिए यहाँ पे। थोड़ा बड़ा अजीब सा माहौल है और इसी बीच में है इस वक्त। आप उनके भतीजे हैं आरिफ सर। हाँ। आपका क्या कहना है, आप उसको कहाँ किस नजरिए से देखते हैं? सजा सजा को जो कानून के हिसाब से हुआ तो कानून का तो हम पालन करते हैं। कानून के हिसाब से जो हुआ सही हुआ, बाकी ये जो अंडरटेकिंग हुई थी इसके हिसाब से थोड़ा गलत हो गया है। अंडरटेकिंग के हिसाब से जो सजा उनको देनी चाहिए थी वो सजा नहीं मिली है। क्या होना चाहिए? वो कम होनी चाहिए थी। वो एग्रीमेंट में था कि कम सजा रहेगी और जो है उम्र कैद नहीं देंगे, तो उस हिसाब से ये गलत हुआ है। आपके संपर्क में थे, आपकी इधर बातचीत हुई थी? नहीं नहीं। कब आए थे वो यहाँ पर? वो 2011 लास्ट में आए, तो माँ की डेट में। उसके बाद आप लोगों का कोई सुन नहीं? आप क्या मानते हैं? देखिए कोर्ट का फैसला है उसका हम लोग सम्मान करते हैं। रही बात घर की, तो थोड़ा गम का माहौल छाया हुआ है। वो उम्र कैद की सजा दे दी गई है। हमारी कोर्ट से यही अपील है कि उनके 25 साल के अंदर उम्र कैद जो है उनको खत्म कर दिया जाए। 12 साल ऑलरेडी काट ही चुके हैं, 13 साल जो बचा है उसके अंदर उनको रिहा कर दिया जाए। अदालत के फैसले के बाद अबू सलीम के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आसपास के कुछ लोग उसके घर के बाहर मौजूद हैं। हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। खुर्रम आलम नुमानी, एबीपी न्यूज, आजमगढ़।